हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बोहर रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं। ई है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी एन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर एन रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एंड जेड है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट आप जानते हैं कि सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। यहाँ पर एम बी स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इनटू ई अपॉन आर। ठीक है, आर एन से आर एन कैंसिल आउट होकर हमको इक्वेशन मिलती है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉस्टुलेट एम बी आर, ठीक है, इक्वल टू एनएच अपॉन 2π होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एंथ ऑर्बिट पे डील कर रहे हैं, तो एम वी एन आर एन हो जाएगा। वी के नीचे से छोटा सा क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। सो दिस इज अवर इक्वेशन टू। इक्वेशन टू इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपको रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट यहाँ पर ऑप्टेन हो जाता है। अब देखिए, जितना भी मैंने येलो कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है, इन सब की वैल्यू आपको पता होती है, और अगर इन सब की वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 0.53 × 10⁻¹⁰, और बचता है यहाँ पर आपका एक एन स्क्वायर और अपॉन में जेड इन मीटर। और अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहें तो आपका फॉर्मूला आ जाता है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और हाइड्रोजन एटम के लिए आप जस्ट जेड इक्वल टू 1 रख लीजिए, और ये फॉर्मूले आपके हाइड्रोजन एटम के लिए निकल जाते हैं फॉर द बोहर रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट।